नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के उबरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इंटर में नामांकन के लिए दूसरी मेधा सूची हुई जारी। इन जिलों में की गई NDRF की तैनाती। सफाई कर्मियों की मांग न्याय संगत, इस दिन होगी कोर्ट में अगली सुनवाई। भारतीय नौसेना का बदला चिन्ह। रोहित शर्मा को लेकर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने दिया चौंकाने वाला बयान। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंटर में नामांकन के लिए दूसरी मेधा सूची हुई जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए दूसरी मेधा सूची जारी कर दी गई है। वैसे छात्र छात्राएं जिन्हें सत्र 2022-24 में इंटर में नामांकन लेना है, वैसे छात्रों को 7 सितंबर तक नामांकन लेने को कहा गया है। संबंधित संस्थान नामांकित विद्यार्थियों का अगले दिन अपडेशन सुनिश्चित करना होगा। तीसरी सूची इसके बाद जल्द ही प्रकाशित की जाएगी। आपको बता दें कि यह संक्षिप्त जानकारी है। अधिक जानकारी के लिए आपको बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इन जिलों में की गई NDRF की तैनाती। बिहार में गंगा और कोसी नदी के जल स्तर में हो रही लगातार बढ़ोतरी की वजह से प्रभावित लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधक विभाग भी अलर्ट है। इस बीच आपदा विभाग ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए NDRF की टीम को राजधानी पटना सहित बाढ़ प्रभावित जिले मुजफ्फरपुर, किशनगंज, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सुपौल और बक्सर में तैनात किया है। आपको बताते चले कि इस बार बिहार के कुछ जिले दो तरह की आपदा झेल रहे हैं। एक ही जिले में कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिनमें बेगूसराय जिला शामिल है। वहीं बिहार के मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और पूर्णिया के कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया है। दूसरे राज्यों से 61 शराब माफिया गिरफ्तार। बिहार में साल 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है। इसको सफल बनाने के लिए सरकार तमाम उपाय कर रही है, लेकिन फिर भी ना तो शराब पीने वाले मान रहे और ना ही बेचने वाले। हालांकि बिहार सरकार अपने प्रयासों में तत्पर है। इसी कड़ी में बिहार सरकार सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि जिन राज्यों में से बिहार में शराब की तस्करी सबसे ज्यादा की जा रही है, वहां की पुलिस से समन्वय स्थापित कर इन पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। और इसी के साथ बिहार में शराब आपूर्ति करने वाले माफियाओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस कड़ी में इस साल दूसरे राज्यों से करीब 61 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। इनमें सबसे अधिक 25 धंधेबाज जो कि झारखंड से गिरफ्तार किए गए हैं। इन चार जिलों में NIA की ताबड़तोड़ छापेमारी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA आज सुबह से ही बिहार में नक्सलियों के नेता विजय आर्या के कई ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची, जिसमें राजधानी पटना समेत गया, रोहतास और औरंगाबाद जिला शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय आर्या की बेटी के घर और बेटे के घर भी छापेमारी के लिए NIA की टीम पहुंची। हालांकि खबर लिखे जाने तक NIA को कुछ हाथ नहीं लगा था। आपको बताते चले कि माओवादी सेंट्रल कमेटी के मेंबर विजय आर्या फिलहाल पटना के बेउर जेल में बंद है। बता दें कि इसी साल कुख्यात नक्सली विजय आर्या को रोहतास थाना के समहुता गांव के निकट से पकड़ा गया था। इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राज्य में एक बार फिर से मॉनसून ने करवटें ली हैं। इस बीच राज्य के अलग अलग हिस्सों में कुछ दिनों से एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने सीमांचल के क्षेत्र में भारी बारिश की सूचना जारी की है, जिसमें सुपौल, किशनगंज और पूर्णिया जिला शामिल है। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि यहां भारी बारिश की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार इस महीने सितंबर में भारी बारिश हो सकती है। इस दरमियान दैनिक तापमान में भी लगातार परिवर्तन देखने को मिलेगा। वहीं बारिश के दौरान वज्रपात से भी सचेत रहने के लिए कहा गया है। जमीन या फ्लैट खरीदने के लिए अब महीनों करना पड़ेगा इंतजार। पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद 1 सितंबर से मॉडल डीड योजना के आधार पर शुरू होने वाले शत प्रतिशत जमीन के दस्तावेजों की रजिस्ट्री के फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है, लेकिन लोगों की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। जिन लोगों ने कर्मचारियों के माध्यम से पहले से ही स्टाम्प पेपर पर तैयार जमीन के डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री के लिए 26 सितंबर तक जिन लोगों ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रखा था, विभाग ने उसे खारिज कर दिया है। इस फैसले से क्रोधित लोग अपने डॉक्यूमेंट लेकर बीते दिन रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे और वहां जमकर हल्ला हंगामा किया। हल्ला हंगामे के बाद जब नए सिरे से 50-50 सामान्य रजिस्ट्री के लिए स्लॉट की बुकिंग शुरू हुई, यानी 20 सितंबर तक रजिस्ट्री के लिए 1000 बुकिंग हुई है। पहले 25-25 सामान्य दस्तावेज के स्लॉट को बुक किया गया था, जो 26 सितंबर के लिए बुक था।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में बत्ती गुल हो जाने पर भाजपा ने तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि राज्य में अब लालटेन युग का लोकार्पण हो गया है। दरअसल बीते दिन नीतीश कुमार राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां बिजली चले जाने की वजह से कुछ समय तक सभी को अंधेरे में ही रहना पड़ा था। इसी पर तंज कसते हुए बिहार बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट कर लिखा कि ये लालटेन युग का लोकार्पण है। भाजपा ने राजद की ओर इशारा करते हुए कहा, नीतीश कुमार पर तंज कसा है। खबरों के मुताबिक राज्य को सेंट्रल सेक्टर से बिजली की आपूर्ति कम हो रही है, इस कारण कई घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। इस दौरान लोगों को वाकई लालटेन युग की याद आ रही होगी, खासकर गांवों में स्थिति और भी खराब है। बासी ताड़ी पीने वाले पर IGMS ने की रिसर्च, चौंकाने वाला रिपोर्ट आया सामने। बिहार में बासी ताड़ी पीने से लोगों की तबीयत खराब हो रही है, इसका सीधा असर लोगों के लीवर पर पड़ रहा है। प्रदेश में बासी ताड़ी पीकर बीमार पड़ने वाले मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है, लोगों के लीवर में इन्फेक्शन हो रहा है। दरअसल IGMS के गैस्ट्रो एंटोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आशीष झा के नेतृत्व में हुए रिसर्च में ये बातें सामने आई हैं। इस शोध को दो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका JGH ओपन व ट्रॉपिकल डॉक्टर में भी प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक IGMS में इलाज के लिए आने वाले व्यक्ति अमीबिक लीवर एब्सेस से पीड़ितों में 70-80% का लीवर बासी ताड़ी पीने से खराब हुआ है। इनमें 2% की जान भी जा चुकी है। पूर्व वित्त मंत्री को मिली सश्रम 2 साल का कारावास। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कार्यकाल में वित्त मंत्री रह चुके ददन पहलवान को सश्रम 2 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल 17 साल पुराने मारपीट के एक मामले में ददन पहलवान सहित 10 लोगों को 2 साल की सजा सुनाई गई है। बक्सर के विशेष MP MLA न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5,000 का अर्थदंड भी लगाया है। आपको बताते चले कि APP सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि 25 अक्टूबर 2005 को ददन पहलवान समेत अन्य आरोपियों ने RJD नेता रामजी यादव को विधानसभा चुनाव के दौरान पीट पीट कर अधमड़ा कर दिया था। सफाई कर्मियों की मांग, न्याय संगत, इस दिन होगी कोर्ट में अगली सुनवाई। वेतन वृद्धि सहित अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी बीते कुछ दिनों से हड़ताल पर थे। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद से पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों ने हड़ताल खत्म करने की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। दरअसल बीते दिन पटना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया है कि तुरंत संबंधित कर्मचारी संघों की एक बैठक बुलाकर उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर त्वरित निर्णय लें। कोर्ट ने कर्मचारियों के कई मांगों को न्याय संगत भी माना है। कोर्ट को महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि राज्य सरकार इन कर्मचारियों की मांग पर विचार करेगी। इस पर अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। मिशन 2024 के लिए देश के दौरे पर निकलेंगे मुख्यमंत्री। NDA से अलग होने के बाद जदयू और तमाम गठबंधन की पार्टियों का एक सूत्री कार्य है 2024 लोकसभा चुनाव में केंद्र से भाजपा का सफाया करना। इसके लिए अभियान अगस्त में ही शुरू हो चुका है, जब जदयू ने NDA के साथ गठबंधन तोड़ा था। इसी कड़ी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री का बिहार दौरा, जहां जदयू राजद और तेलंगाना राष्ट्र समिति की आपसी सहमति बनी है और लालू यादव ने इस दौरान कहा कि 2024 में भाजपा का रथ रोकेंगे। वहीं अब खबर यह है कि नीतीश कुमार इसी अभियान को जारी रखते हुए देश भर में दौरा करेंगे, जिसकी शुरुआत दिल्ली से होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जदयू के नेता ने कहा कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठकों के बाद मुख्यमंत्री अगले सप्ताह बिहार से बाहर जाएंगे। नीतीश कुमार दिल्ली, फिर हरियाणा, राजस्थान और इसके बाद देश के अन्य हिस्सों का दौरा करेंगे। नित्यानंद राय ने नीतीश सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। नीतीश तेजस्वी सरकार के दूसरे कैबिनेट की बैठक में बालू के दामों में बढ़ोतरी पर मुहर लगाई गई है, जिसके बाद राज्य की 5 नदियों के बालू के स्वामित्व दर बढ़ाने का फैसला लिया, जिसमें सोन, कियूल, फल्गु, चानर और मुरहर नदी शामिल है। बालू के दामों में की गई बढ़ोतरी के बाद भाजपा सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर से BJP सांसद नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश सरकार द्वारा बालू की दर प्रति घन मीटर 75 से बढ़ाकर 150 रुपये कर देने से राज्य में बेरोजगारी बढ़ेगी, इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे गरीबों के घर में भी बाधा पहुंचेगी, निजी घर बनाना और सरकारी निर्माण भी महंगा होगा। नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश सरकार बालू दर में बढ़ोतरी को वापस ले, नहीं तो आंदोलन होगा। शम नो वरुणा, भारतीय नौसेना का बदला चिन्ह।
केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नौसेना का चिन्ह बदल दिया गया है। जी हां, नए नौसेना के निशान ने औपनिवेशिक काल की गुलामी की मानसिकता के प्रतीक से छुटकारा दिला दिया और अब भारतीय नौसेना के नए निशान में छत्रपति शिवाजी महाराज की अष्टकोणीय मुहर लगाई गई है। आपको बताते चले कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत मिलने से ठीक पहले केरल के कोच्चि स्थित कोचिन शिपयार्ड में एक कार्यक्रम के दौरान देश को यह समर्पित किया। नए झंडे में नीचे संस्कृत भाषा में शम नो वरुणः लिखा है। इसका अर्थ है हमारे लिए वरुण शुभ हो। हमारे देश में वरुण को समुद्र का देवता माना जाता है, इसलिए नेवी के नए निशान पर ये वाक्य लिखा गया है। रोहित शर्मा को लेकर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने दिया चौंकाने वाला बयान। रोहित की बल्लेबाजी पर तंज कसते हुए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने बड़ा बयान दिया है। पीटीवी स्पोर्ट्स पर चर्चा के दौरान हफीज ने पहले एक वीडियो क्लिप दिखाने को कहा, जिसमें रोहित शर्मा हांगकांग के खिलाफ जीत के बाद मैदान से वापस जा रहे थे। वीडियो की तरफ दिखाते हुए मोहम्मद हफीज ने कहा, आप मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा की अभिव्यक्ति देखें, यह अभिव्यक्ति भारत के 40 रन से जीतने के बाद हुई। मैंने रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात की थी। जब वह टॉस के लिए बाहर आए तो वह कमजोर दिख रहे थे, वह डरे हुए और भ्रमित लग रहे थे। मैं वो रोहित शर्मा को नहीं देख पा रहा हूं जिन्हें मैंने मैचों के दौरान अविश्वसनीय पारी खेलते हुए देखा है। मुझे लगता है कि कप्तानी रोहित पर बहुत दबाव डाल रही है, वह काफी मुश्किलों का सामना कर रहा है। देश भर में आए 10,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी शुक्रवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 6,168 नए मामले सामने आए। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 131 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 67 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 1,10,509 कोरोना सैंपल की जाँच की गई है, जहाँ 171 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, शंकर मुखिया, मुजू रंगीला, अरुण अंजान, रंजीत मिश्रा, के सिंधार, संजीत कुमार सुमन, निरंजन यादव और सूरज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बालू के दामों में दुगनी वृद्धि के फैसले से आम जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।